हेलो दगड़े, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीटीएस यूके व्लॉग में। सो गाइस, यहाँ पर अभी मेरे पापा एक बात में टॉपिक करने वाले तो है, वो भूख कानून। तो अभी मेरे पापा आपको बताएंगे कि उसके रिलेटिव क्या बातें हैं। तो लेट्स गो। सुरेंद्र चौहान बोल रहा हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तक कभी भी मैं किसी भी कैमरे के सामने नहीं आया हूँ, कोई भी ब्लॉग या कोई भी कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन इस टॉपिक को लेकर मुझे आना पड़ा। आजकल एक बहुत ट्रेंड हो रहा है और एक सीरियस मैटर है, भू कानून। भू कानून को लेकर हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि भू कानून जल्द से जल्द हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, क्योंकि भू कानून नहीं होगा तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में जब हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भू कानून नहीं रहेगा तो बाहर के लोग आके हमारे संस्कृति को ख़राब कर देंगे, वहाँ जाके बस जाएंगे और वो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की संस्कृति है, देवभूमि, वहाँ के जागर, वहाँ के जो कल्चर है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भू कानून लागू होने से संस्कृति बची रहेगी। जैसे हिमाचल में भी भू कानून लागू है और वहाँ के कानून के मुताबिक ही कोई बाहर का बंदा आके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसी तरीके से अगर हमारे उत्तराखंड में भी भू कानून लागू हो जाएगा तो हमारी कल्चर और हमारी संस्कृति बची रहेगी। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि भू कानून को लागू करने की मुहिम में हमारा बहुत बहुत सहयोग करें। सब मिलकर जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, सब लोग एक साथ हो जाएं, गाँव में रहने वाले, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे किसी भी कोने में कोई भी उत्तराखंडी रहता है, तो उन सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भू कानून को जल्द से जल्द लागू करवाने में सहयोग करें और सब मिलकर इसको सपोर्ट करें, जिससे कि जल्द से जल्द ये लागू हो और हमारी संस्कृति बनी रहे। क्योंकि भू कानून जितना जल्दी लागू होगा, हमारी संस्कृति, हमारी भूमि बची रहेगी, नहीं तो बाहर के लोग आके यहाँ बस जाएंगे और हम लोग फिर यहाँ पे एक तरह से मेहमानों की तरह रहेंगे और वो यहाँ पे आके अपने हिसाब से करेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और हम लोग के लिए वो रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो हमारे साथ अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे और वो हमारे लिए देखने लोग की नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि भू कानून को लागू करने के लिए सरकार को बोलें और जितना जल्दी हो सके अपनी भूमि को बचाने में हमारे उत्तराखंडी समाज को सहयोग दें और जितना जल्दी हो सके इसको आगे बढ़ाने की मुहिम में सब एकजुट होकर आगे बढ़ें। थैंक यू दगड़ियों, थैंक यू भाई बहनों। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड मेरी संस्कृति है, मेरी देवभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और उसको बचाने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी संस्कृति ख़त्म हो। मैंने तो देख लिया अपना उत्तराखंड, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे या आने वाली पीढ़ियाँ, वो भी अपने कल्चर को उसी तरीके से निहारे, उसी तरीके से देखे जिस तरीके से हम देखते आए हैं। उनके टाइम में उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने उत्तराखंड को बचाएं, जितना हो सके वहाँ जाएं, वहाँ के लोगों को सहयोग करें और जिस तरीके से भी सहयोग हो सके करना चाहिए और अपने कल्चर को बचाने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद भाई लोगों, धन्यवाद। अपना भी सुनो लो, भू कानून बारे में जब मैं बताना चाहूँ कि अपन बच्चों थे भी हम तो घर ले जा सकता हुआ जर के वो तो पता चल कि हमारे भूमि के बारे में और आस पड़ोस का लोग थे भी देख सकती हूँ कि हमारा काका बड़ा चाहिए कि आजकल दिल्ली में हम सब रहना चाहवा तो हमारे बच्चों तो पता नहीं चलो कि हमारा काका बड़ा कुछ ही हमारे दयाल कुछ वहाँ संस्कृति इन्हें फुने आना जाना को कुछ पता नहीं रहना, तो हम तो ले जाना चाहूँ बच्चों थे भी और हम तो भू कानून